हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। देखेंगे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते क्या हैं, उसके कुछ एग्जांपल समझेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव क्लॉज के टाइप्स। बताया था मैंने एग्जेक्टिव क्लॉज जो होता है वो टू टाइप का होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज एंड सेकंड वन इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होते हैं एंड एग्जेक्टिव क्लॉज। मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा ही चुकी हूँ, तो देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बारे में। हेडिंग डालते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो रेस्ट्रिक्टिव से ही आपको पता चल रहा होगा, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, रोकना, रुकावट। तो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज देखिए, अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज defines the meaning of a noun, noun की meaning को बताती है, या फिर noun phrase and provides necessary information किसके बारे में, about the noun in a sentence। तो अब इसको समझते हैं, ये कह क्या रहा है। ये कहता है कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कौन सा होता है। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज डिफाइंस क्या बताता है, ये मीनिंग ऑफ अ नाउन, किसका मीनिंग बताता है, नाउन का या फिर नाउन फ्रेज का मीनिंग बताता है और प्रोवाइड करता है। इट मीन्स और क्या देता है हमें, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन को और नाउन फ्रेज को ये डिफाइन करता है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नाउन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय, कैसे, कॉमास। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट सेपरेटेड, वो अलग नहीं होता है पूरे सेंटेंस से। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है सेंटेंस से। कैसे अलग करते थे हम, कॉमा से, सेमी कॉलोन से, तो ये सब यूज करके। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कॉमा से हम अपने रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को सेंटेंस से सेपरेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग कॉमा। ओके, कॉमा का यूज करके। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज
मोर कॉमन देन नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. इन राइटिंग थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है लिखने में किससे, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज से. नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप देख लीजिए आपको समझ आया होगा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है वो क्या बताता है, नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में बताता है और उनके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो सॉरी उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन की जो कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई होती है. और ये जो होता है सेंटेंस से इसको अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता चाहे कॉमा का यूज़ कर लें हम. और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज से लिखने में राइटिंग में. और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एन एसेंशियल क्लॉज. आप बोल रहे होंगे कहीं कहीं पर एसेंशियल क्लॉज लिखा होता है किसी किसी की बुक में, किसी की बुक में रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लिखा होता है, तो बट बात क्या होती है वह दोनों की सेम बात हो रही होती है क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को ही हम एसेंशियल क्लॉज कहते हैं और एसेंशियल क्लॉज को ही हम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं. क्योंकि ये एसेंशियल क्लॉज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है. एसेंशियल मतलब भी यही होता है इंपॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिल रही होती है इसमें, नाउन के बारे में मिल रही होती है. ठीक है, अभी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ. फर्स्ट एग्जांपल है द स्टूडेंट्स हु सेड्स in the back of the room asks a lot of questions. तो ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट है एग्जाम्पल द स्टूडेंट वो बच्चे who sits in the back of the room जो रूम में पीछे बैठे इन द बैक ऑफ द रूम क्या आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं वो. ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताइए रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है, वो क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में. नाउन क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है नाउन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है ये हु सिट्स इन द बैक ऑफ द रूम. ठीक है, ये क्या मिल रही है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये क्या हो गया रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया. ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. द जर्नलिस्ट हूज स्टोरी I read yesterday has won prizes for her work. तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, द जर्नलिस्ट हूज स्टोरी आई रेड यस्टरडे हैज वॉन प्राइजेस फॉर हर वर्क, उसको उसके वर्क के लिए प्राइज मिल रहा है जिसकी स्टोरी मैंने कल पढ़ी थी. तो इसमें बताइए नाउन कौन है, द जर्नलिस्ट, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, हूज स्टोरी आई रेड यस्टरडे, ये क्या है हमारा
रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ये, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी डिड नॉट फाइंड एनी कैफे दैट सोल्ड वेजिटेरियन मोमोज। तो ये क्या कह रहा है कि वी डिड नॉट फाइंड एनी कैफे, हमें कोई ऐसे कैफे नहीं मिला जो कि बेचते हो, क्या बेचते हो, वेजिटेरियन मोमोज बेचते हो। तो इसमें क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, दैट सोल वेजिटेरियन मोमोज। ये क्या है हमारा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो इसी तरह आपको समझ आया होगा, हमने तीन एग्जांपल भी देख लिए। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता क्या है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है, जिसका मीनिंग हो, तो क्या बताता है, मीनिंग बताता है नाउन का मतलब और नाउन फ्रेज का, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन की सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है। और ये जो होता है इसको हम बांट नहीं सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं आगे बात करते हैं, पहले रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है वो मोर कॉमन होता है देन नॉन रेस्ट्रिक्टिव से, और इसका क्या कहा जाता है, एसेंशियल क्लॉज भी इसका नाम होता है। ये हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे द आर्टिकल That I requested did not arrive on time. तो वो the article that I requested did not arrive on time. आपको लग रहा है कि ये relative clause है, ये वो sorry restrictive clause, ये restrictive clause नहीं है क्योंकि इसमें relative pronoun use हो रहा है। ये क्या है, relative प्रोनाउन है। अगर हम इसको काट देंगे फिर लिखेंगे द आर्टिकल आई रिक्वेस्टेड आई डिड नॉट, द आर्टिकल आई रिक्वेस्टेड डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। अब बना है ये हमने आज की वीडियो में क्या समझा, आपको क्या समझ आया कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है और उसका दूसरा नाम क्या था, क्या होता है वो एसेंशियल क्लॉज भी कहा जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे ये कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ये वाला एग्जांपल किसका है, ये है रिलेटिव क्लॉज का एग्जांपल है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने क्या पढ़ा, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हमने कंप्लीट किया है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, उसको एसेंशियल क्लॉज भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ठीक है। जब तक के लिए रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।